उत्तराखंड एवं समीपवर्ती देश और राज्य, उत्तराखंड के समीपवर्ती देश और राज्यों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए चंपावत है, ध्यान दीजिएगा चंपावत है। और यहाँ पर ये नीचे है नैनीताल। देखिए हमने मैप बनाना आपको बता दिया था बच्चों, हमने आपको मैप बनाना बता दिया था, उत्तराखंड का मैप आप कैसे बनाएंगे हमने ड्रॉ कर लिया है। नैनीताल चंपावत यहाँ पे हो गया छोटा वाला, ये चंपावत हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ से ये हो गया अल्मोड़ा, ये पौड़ी गढ़वाल, ये छोटा वाला है बागेश्वर। बागेश्वर भी एक जिला है और ये पूरा ये जो एरिया है पिथौरागढ़। हेलो गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कठिन प्रयास कीजिए, स्टडी हार्ड कीजिए और निश्चित सफलता प्राप्त कीजिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड और उसके समीपवर्ती देश और राज्य की बात करें। उत्तरकाशी से बाएं देख लें तो हिमाचल प्रदेश है, क्या है ध्यान दीजिए। हम उत्तराखंड की मैप के बारे में बात कर रहे हैं, उससे समीपवर्ती हिमाचल प्रदेश की सीमा से लेकर उत्तराखंड राज्य के जिले कौन कौन से हैं? दो जिले हैं हिमाचल से, कौन लगता है? देहरादून। यही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हिमाचल से लगता है देहरादून और दूसरा जिला लगता है उत्तरकाशी। एकदम मैप में दूसरा, पहला देहरादून, दूसरा उत्तरकाशी। हिमाचल से कौन कौन लगते हैं उत्तराखंड के जिले? हिमाचल का एरिया है देहरादून और उत्तरकाशी। और देखिए आप लोग यहां पर कि हरियाणा की सीमा से, ये वाला जो दो ब्रांच है हरियाणा की सीमा से सटे उत्तराखंड के राज्य एक जिला कौन सा? देहरादून। ये हरियाणा है तो ये देहरादून, यहां से ये हरियाणा तो यहां से देहरादून लगता है, ठीक है। एक जिला लगता है देहरादून हरियाणा से। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा, अब यहां पर उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी में लिख दे रहा हूं, यूपी ज्यादा लोग बोलते हैं पॉपुलर नेम। यूपी से सटे मतलब सीमा से लगे कौन कौन से जिले हैं आपके उत्तराखंड के, ध्यान दीजिए। ये आएगा पहले देहरादून, यहीं से चालू जाता है यूपी, देहरादून। उसके बाद ये वाला हरिद्वार भी आएगा, यूपी से सटा हरिद्वार। इसके बाद ये जो नैनीताल का हिस्सा है यहां भी यूपी है, तो नैनीताल, ये नैनीताल यहां है, ये हिस्सा है, ये नैनीताल का लग जाएगा यूपी से, तो नैनीताल तीसरा है। फिर पौड़ी गढ़वाल भी लगेगा, ये देखिए सीधा पौड़ी गढ़वाल भी यूपी से टच होता है। पर ये उधम सिंह नगर तो देखिए आप टच हो ही रहा है, उधम सिंह नगर, उसको मैं शॉर्ट में ऊ सी नगर बोलता हूँ, उधम सिंह नगर है, ठीक है। और देखते हैं नेपाल इधर है, नेपाली सीमा से मतलब नेपाल की सीमा से कौन कौन से जिले? ये देखिए पिथौरागढ़ लगता है और ये चंपावत भी लगता है, यहीं पे नेपाल है। और देखिए क्या लगता है, उधम सिंह नगर, यहां भी नेपाल है, उधम सिंह नगर, ये तीनों जिले इसके लगते हैं। तो नेपाल सीमा से कितने जिले लगते हैं? तीन। उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश से यूपी से देखिए पांच, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यूपी से सटे पांच, हरियाणा से सटे जिले सीमा से सिर्फ एक, और हिमाचल की सीमा से लगता है दो, हिमाचल से दो, तो हिमाचल से दो। और देखिए चीन जो कि तिब्बत के कब्जे में है, जो चीन के कब्जे में तिब्बत है, तिब्बत चीन तिब्बत मतलब तिब्बत ऐसा जो चीन के कब्जे में है उसकी सीमा से लगे,
लगे किसके, उत्तराखंड स्टेट के जिले कितने हैं, तीन जिले, कितने जिले हैं, तीन जिले, ब्रैकेट में जो हम लिख रहे हैं ये की संख्या, तीन जिले कौन कौन से हैं देख लीजिए, ये यहां तक देखिए आप उत्तरकाशी, तो ये उत्तरकाशी चीन अधिकृत तिब्बत से सीमा से लगे उत्तराखंड के तीन जिले, उत्तरकाशी पहला, उत्तरकाशी दूसरा चमोली, देखिए चमोली भी लगा है, ये भी चीन अधिकृत तिब्बत और पिथौरागढ़, या देखिए पिथौरागढ़ तीन जिले, देखिए यहां पर हम मार्क कर रहे हैं, हिमाचल से दो जिले सटते हैं उत्तराखंड के, हिमाचल राज्य से देहरादून और उत्तरकाशी, और हरियाणा राज्य से केवल एक जिला सटता है देहरादून, और उत्तर प्रदेश से पांच जिले टच करते हैं उत्तराखंड के, देहरादून टच करता है, हरिद्वार टच करता है, पौड़ी गढ़वाल टच करता है, नैनीताल सटा हुआ है, उधम सिंह नगर सटा हुआ है, और नेपाल की सीमा से तीन जिले टच करते हैं किसके, उत्तराखंड के, चंपावत है, उधम सिंह नगर है और पिथौरागढ़ है, और चीन अधिकृत तिब्बत की सीमा से उत्तराखंड के तीन जिले सटे हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ का बॉर्डर चीन अधिकृत तिब्बत के साथ भी लगता है, पिथौरागढ़ का बॉर्डर नेपाल सीमा से भी लगता है, चंपावत का बॉर्डर नेपाल सीमा से लगता है, उधम सिंह नगर का बॉर्डर यूपी से भी लगता है और नेपाली सीमा से भी लगता है, इसके साथ ही साथ नैनीताल का बॉर्डर, पौड़ी गढ़वाल का बॉर्डर, हरिद्वार का बॉर्डर, देहरादून का बॉर्डर, ये सब यूपी से सटा हुआ है, हरियाणा से सटा है देहरादून, और हिमाचल से देहरादून भी सटा हुआ है और उत्तरकाशी जिला भी सटा हुआ है, तो ये उत्तराखंड एवं समीपवर्ती देश राज्य, कौन, उत्तराखंड एवं समीपवर्ती देश और राज्य की बात की थी, कौन कौन से हैं देखिए, हिमाचल से देहरादून और उत्तरकाशी, चाइना से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नेपाल से चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पांच हो गए, इस तरीके से उत्तराखंड एवं समीपवर्ती देश और राज्य पे हमने चर्चा की। सीमाओं से लगे जिले देख लीजिए, पौड़ी से कितने जिले लगे हैं, पौड़ी से जितने जिले लगे हैं, पौड़ी से सात जिले लगे हैं, पौड़ी से कितने जिले लगे हैं, सात जिले लगे हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, नहीं देखिए पौड़ी से लगे हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार पौड़ी से लगे हैं। इसके बाद देखिए चमोली से छह जिले लगे हैं, चमोली से छह जिले कौन कौन से लगे हैं, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, सीधे सीधे गिनिया, अल्मोड़ा से छह जिले लगे हैं, अल्मोड़ा से चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, हरिद्वार से दो जिले लगे हैं, देखिए हरिद्वार से दो जिले लगे हैं, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, रुद्रप्रयाग से चार जिले लगे हैं, रुद्रप्रयाग से चार जिले, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल, चंपावत से चार जिले लगे हैं, चंपावत से चार जिले कौन से लगे हैं, उधम सिंह नगर,
पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा। उत्तर काशी से चार जिले लगे हैं, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, रुद्रप्रयाग और चमोली। बागेश्वर से तीन जिले लगे हैं, बागेश्वर से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। ये बागेश्वर यहीं पे, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, ये पूरा ही बागेश्वर का क्षेत्र है। ये छोटा थोड़ा सा इधर भी आया, ये अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़। भौतिकी विभाग ने बता दिया, पर्वत शिखर उनकी ऊंचाइयां भी बता दिया है। अब हमारा जो अगला मैप है, वार्षिक वर्षा का विवरण, उत्तराखंड की वार्षिक वर्षा का विवरण। और हमने ग्लेशियर के बारे में पढ़ लिया है, अब बांध और उसकी ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से बांध हैं उत्तरकाशी में, देखिए इसी मैप में देख लीजिए। उत्तरकाशी में है मनेरी बांध, उत्तरकाशी में क्या है, मनेरी बांध है। इसकी ऊंचाई है 39 मीटर, क्या है 39 मीटर। देहरादून में है, देहरादून में कौन कौन से बांध है, यहां देखिए पिचारी, पिचारी बांध की ऊंचाई है 59.25 मीटर। दूसरा बांध है लखवर, लखवर की ऊंचाई है 204 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 204 मीटर। इस पर टिहरी गढ़वाल में जो बांध है, यहां देख लीजिए टिहरी गढ़वाल में जो बांध है, टिहरी गढ़वाल में कोटेश्वर, टिहरी गढ़वाल में कोटेश्वर बांध है 97.5 मीटर। दूसरा बांध है टिहरी बांध, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। इसी मैप पे हम बांधों की भी चर्चा कर लिए। पौड़ी गढ़वाल में जो बांध है, यहां देखिए पौड़ी गढ़वाल में जो बांध है उसका नाम है राम गंगा बांध, बहुत ही फेमस है राम गंगा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 127.5 मीटर। इसके बाद नैनीताल में जो बांध है, नैनीताल में बांध है भीमताल, भीमताल, इसकी ऊंचाई है 16.16 मीटर। और इसके बाद जमरानी बांध है नैनीताल में, जिसकी ऊंचाई है 130.6 मीटर। उधम सिंह नगर में कई बांध है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। उधम सिंह नगर का बांध यहां देखते हैं, उधम सिंह नगर में है बैगुल, बैगुल बांध की ऊंचाई है 13.7 मीटर। इसके बाद है बौर, बौर बांध है जो कि 17.96 मीटर। इसके बाद है धोरा, सब उधम सिंह नगर में है, धोरा बांध है 14.63 मीटर। इसके बाद है हरिपुरा, हरिपुरा बांध की ऊंचाई है 10.98। ये 2017 के पेपर में आया था क्वेश्चन। और नानक सागर बांध, नानक सागर बांध की है 16.5 मीटर। और तुमरिया, ये तो फेमस है तुमरिया बांध, तो शायद ही कोई कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है जो ना जानता हो। तुमरिया बांध तो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं जीके में, तुमरिया बांध है 15.29 मीटर। ये सारे के सारे बांध हैं उधम सिंह नगर, क्या है उधम सिंह नगर की। कितने बांध है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद धौली गंगा बांध है पिथौरागढ़ में, कौन है धौली गंगा, धौली गंगा बांध है पिथौरागढ़ में 56 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लगभग लगभग हमने सारे बांधों के बारे में चर्चा कर ली। तो उत्तराखंड राज्य के बांध क्या हैं, पिचारी बांध है 59.25 मीटर और लखवर बांध है 204 मीटर, देहरादून में है। उत्तरकाशी मनेरी बांध है 39 मीटर। इसके बाद पिथौरागढ़ में है धौली गंगा 56 मीटर। उधम सिंह नगर में जो बांध है बैगुल बांध 13.7 मीटर, बौर बांध 17.98 मीटर, धोरा बांध 14.63 मीटर, हरिपुरा बांध 10.98 मीटर, नानक सागर बांध 16.5 मीटर, तुमरिया बांध 15.29 मीटर, नैनीताल में है भीमताल बांध 16.16 मीटर,
जमरानी बांध 130.6 मीटर, पौड़ी गढ़वाल में है राम गंगा बांध 127.5 मीटर, टिहरी गढ़वाल में है कोटेश्वर बांध 97.5 मीटर, टिहरी बांध 260.5 मीटर। बैगुल बांध का उद्देश्य क्या है? सिंचाई। बौर बांध का, भीमताल बांध का, ये सारे बांधों का उद्देश्य सिंचाई है। धौली गंगा बांध की उद्देश्य है जल विद्युत। धोरा बांध और हरिपुरा बांध का भी उद्देश्य सिंचाई है, जबकि इचारी बांध का उद्देश्य जल विद्युत। जमरानी बांध का उद्देश्य है सिंचाई। कोटेश्वर बांध का उद्देश्य है जल विद्युत। लखवर बांध का उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई के लिए। मनेरी बांध है जल विद्युत के लिए। नानक सागर बांध है सिंचाई और पीने के पानी के लिए। राम गंगा बांध जल विद्युत और सिंचाई के लिए है। टिहरी बांध जल विद्युत और सिंचाई के लिए। तुमरिया बांध सिंचाई के लिए। कहां कहां पे है ये? तो बैगुल बांध है सितारगंज में, बौर बांध है किच्छा में, भीमताल बांध है नैनीताल में, धौली गंगा बांध है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में ये नजदीकी इलाका पड़ता है धारचूला। धोरा बांध है किच्छा में जो कि उधम सिंह नगर का है। हरिपुरा बांध भी किच्छा में जो कि उधम सिंह नगर का है। इचारी बांध है चक्राता में जो देहरादून में पड़ता है। जमरानी बांध है नैनीताल में जो कि नैनीताल में है। कोटेश्वर बांध है प्रताप नगर में जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। लखवर बांध देहरादून में है। मनेरी बांध भटवारी में है जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। नानक सागर बांध खातिमा में है जो कि उधम सिंह नगर में है। राम गंगा बांध लैंस डाउन में है जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। टिहरी बांध प्रताप नगर में जो कि टिहरी गढ़वाल में है। तुमरिया बांध काशीपुर में है जो कि उधम सिंह नगर में है। बांधों पे चर्चा हमने की कि बहुत ही, फिर हमने नदी बेसिन के बारे में चर्चा की है, ग्लेशियर बताया हमने, जलप्रपात बताया, झील और ताल के बारे में बताया, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। अब देखिए उत्तराखंड के वन के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार के वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आप रिवीजन निकालिए, एक बार आप रिवीजन कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिवीजन बुक आप लोग निकालिए। उत्तराखंड के समीपवर्ती देश और राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन अधिकृत तिब्बत की सीमा से लगते हैं तीन जिले। और अगर हम नेपाली सीमा की बात करें तो नेपाल की सीमा लगती है उधम सिंह नगर से, चंपावत से और पिथौरागढ़ से। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देहरादून से सीमा लगती है, हरिद्वार से सीमा लगती है, नैनीताल से सीमा लगती है, उधम सिंह नगर से सीमा लगती है और पौड़ी गढ़वाल से। पांच जिले सीमा यूपी की लगती है। हरियाणा की सिर्फ एक जिले से टच करता है देहरादून से। और हिमाचल देहरादून और उत्तरकाशी से टच करता है, तो ये दो जिले से हिमाचल टच करता है। अब अगर हम यहाँ पर बांध की बात करें, उत्तरकाशी में मनेरी बांध इसकी ऊंचाई 39 मीटर है, और इसके साथ ही साथ इचारी बांध और लखवार बांध जो कि इचारी बांध 68.25 मीटर और लखवार बांध जो कि 204 मीटर, ये सब देहरादून में है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो राम गंगा बांध जो कि 127.5 मीटर का है पौड़ी गढ़वाल में है, और नैनीताल में जो बांध है वो भीमताल है 16.6 मीटर, और जमरानी बांध 130.6 मीटर, और उधम सिंह नगर में कई बांध है जैसे बैगुल बांध 13.7 मीटर, बौर बांध 17.96 मीटर, धोरा बांध 14.63 मीटर, हरिपुरा बांध 10.98 मीटर, नानक सागर बांध 16.5 मीटर, तुमरिया बांध 15.29 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पर ये बांध है। धौली गंगा बांध पिथौरागढ़ में है जो कि 56 मीटर ऊंचाई है इसकी। इसी प्रकार से कई बांधों के बारे में चर्चा की। टिहरी गढ़वाल में कोटेश्वर बांध है जो कि 97.5 मीटर, टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध है 200.5 मीटर ऊंचाई, देखिए 200.5 मीटर किसकी, टिहरी बांध की ऊंचाई 200.5 मीटर, और लखवर बांध जो देहरादून का 204 मीटर, ये सबसे ऊंचा बांध इधर का। ये आप चर्चा समझिए। आप देखिए अगर हम चर्चा करें उत्तराखंड के वनों के प्रकारों की, तो हमारे पास जो वन यहां पर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन,
और पर्वत वनों की बात अगर उत्तराखंड में हम करें तो पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधी पाइन वन, पर्वतीय सम शीतोष्ण वन जिसमें हिमालयी आर्द्र शिशुर शीतोष्ण वन और हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन, और उप अल्पाइन वन। और अल्पाइन वन में दो कैटेगरी हमारे पास यहाँ उत्तराखंड में होती है, पर्वतीय वन में अल्पाइन वन में आर्द्र अल्पाइन वन और शुष्क अल्पाइन वन। अब वनों की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो इस वनों की हम देखते हैं किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस पर भी चर्चा है कि क्या क्या परसेंटेज है वनावरण का। अगर हम परसेंटेज देखें यहाँ पर उत्तराखंड का वनावरण का मानचित्र हम देखते हैं तो देखिए उत्तरकाशी में तृतीय सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 3036.15 वर्ग किमी, और पिथौरागढ़ में अगर 1% देखिए 29.35%, मतलब तृतीय न्यूनतम वन श्रेणी। पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 3396.71 वर्ग किमी, और हरिद्वार में 1% 24.74% जो की द्वितीय न्यूनतम है, और पौड़ी गढ़वाल में 1% 63.74% तृतीय सर्वाधिक है, और नैनीताल में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है 3044.49 वर्ग किमी, और सर्वाधिक 1% है नैनीताल का 71.62%। उधम सिंह नगर का न्यूनतम वन क्षेत्रफल 428.08 वर्ग किमी और न्यूनतम 1% है 16.84%। और अगर हम वन के प्रकारों की बात करें कि कितने प्रतिशत का क्षेत्र आता है आद्र शिवालिक साल वन 12.84% वनावरण का, भावर दून साल वन 0.95%, आद्र तराई साल वन 1.51%, शुष्क शिवालिक साल वन 1.72%, और इसके साथ शुष्क पर्णपाती झाड़ी 0.15%, ऊपरी हिमालयन चीड़ पाइन वन 27.52%, आद्र देवदार वन सेडरस 1.49%, आद्र शीतोष्ण पर्णपाती वन 0.76%। और परसेंटेज देखिए वनों का, ओक झाड़ी जो है 0.11%, हिमालयी शीतोष्ण माध्यमिक झाड़ियां 0.05%, आद्र शीतोष्ण पर्णपाती वन 0.76%, एल्डर वन 0.03%, और पश्चिमी हिमालयी शुष्क जूनियर वन 0.02%।